एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा से और दूसरी ओर अजय राय कांग्रेस से, आखिर कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट? आइए आज खुलकर बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट यूपी की सबसे वीआईपी सीट रही है। इसी सीट से पिछले दो बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस बार फिर पीएम मोदी को ही वाराणसी से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संभावित लिस्ट सामने लाई है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें वाराणसी और महाराजगंज सीट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को टिकट दिया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वाराणसी लोकसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पीएम मोदी से पहले 2009 में बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी सांसद बने थे। इसके बाद 2014 में पीएम मोदी को इसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया। पीएम मोदी जब गुजरात से वाराणसी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया। वाराणसी सीट का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और जिनमें से 7 बार यहां कांग्रेस को जीत मिली है और 7 बार बीजेपी को भी जीत मिली है। यह सीट कुर्मी जाति बहुल है और जो किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ ही ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की भी भूमिका रही है। वाराणसी सीट से बीजेपी के कई दिग्गज सांसद रह चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के एंट्री के बाद से यहाँ चुनाव में काफी दिलचस्प रहा है। साल 2014 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर और बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही। पीएम मोदी को इस चुनाव में 32.89% वोट मिली, जबकि केजरीवाल को सिर्फ 11.85% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, पर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले से भी कहीं ज़्यादा 6,74,664 वोट मिले और वोट फीसदी 63.6% रहा। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर रही। उन्हें कुल 1,95,159 वोट मिले और वोट 18.4% रहा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहे। उन्हें 14.38% वोट के साथ कुल 1,52,548 वोट मिले। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। दोनों दलों ने सीट बंटवारा भी कर लिया है, जिसके तहत कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की 11, बुंदेलखंड की 1 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 सीटें छोड़ी। अजय राय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उन्हें 2014 में सिर्फ 75,614 वोट मिले और वह 5,05,408 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हें 1,52,548 वोट मिले और उनका मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन हार में भी अंतर बढ़ी। इस बार वह 5,22,116 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही अपने ऑफिशियल लिस्ट जारी कर देगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में फिर से उतारा है, तो इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि वाराणसी से कांग्रेस अजय राय को टिकट देगी। अजय राय वाराणसी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें एक भी बार जीत नहीं मिली है। अजय राय वाराणसी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें इस सीट पर जीत नहीं मिली। अजय राय 5 बार के विधायक रहे। वह 1996, 2002 और 2007 में वाराणसी की
कोलसाला विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहे। अजय राय ने 2007 में भाजपा छोड़ने के बाद 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कोलसाला में उपचुनाव जीता और चौथी बार विधायक बने। फिर 2012 में उन्होंने वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पांचवी बार विधायक बने। उसके बाद उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के जितने भी चुनाव लड़े सब में हार का सामना किया। अजय राय का जन्म वाराणसी में पार्वती देवी राय और सुरेंद्र राय के घर एक भूमिहार परिवार में हुआ था, जो गाजीपुर जिले के मूल निवासी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी से की थी। वह समाजवादी पार्टी में भी रहे और 2012 से कांग्रेस के साथ हैं। वह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं। अजय राय के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि अजय राय बीजेपी की टिकट पर 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह निर्दलीय और कांग्रेस के टिकट पर भी विधानसभा चुनाव जीते हैं। हालांकि वह लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अजय राय वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में अजय राय 3रे नंबर पर आए थे। तो आपने समझा, इन्हीं कारणों से वाराणसी को वीआईपी सीट माना जाता है। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि यह सीट किस पार्टी के हाथों में जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगे यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और इसी तरह के और भी आप वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।